गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास क्लास एट्थ विद यूनिट 4, दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यूनिट के अंदर हम सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास दिया हुआ है, सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन में लेंथ ऑफ फोर साइड एंड अ डायगनल इज़ गिवन। आपके पास फोर साइड्स दी हुई है, एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको जिसमें आपके पास फोर साइड्स गिवन है। जैसे पी क्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, आर एस गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर, क्यू आर गिवन है 6 सेंटीमीटर, और पी एस गिवन है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, एंड पी आर आपके पास गिवन है 7 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, जिसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको इसकी कोई भी एक लाइन, जिसमें से यहाँ पे आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन सेगमेंट दी हुई है, जिसमें आपके पास 4 लाइन सेगमेंट है और 1 डायगनल है, इतना मटेरियल डाटा आपके पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसका रफ फिगर बनाना है। रफ फिगर में आप क्या करेंगे, पी क्यू, हम पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा 4 सेंटीमीटर को का होगा। आप स्केल की हेल्प से यहाँ से पी क्यू लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, जो कि आपका 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आप आर एस ड्रॉ कीजिए 5 सेंटीमीटर का। आर एस कहाँ से होगा आपका, आर एस बिल्कुल इसके सामने है, है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते एक बार, ठीक है। तो पी क्यू के सामने आर एस आप 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, क्यू आर आप 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, और पी एस आप कितना ड्रॉ करेंगे, 5.5 का, जो डायगनल है वो 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डायगनल 7 सेंटीमीटर है ना, ये आप ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, सबसे पहले डायगनल 7 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑल राइट स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट जो कि आपका 7 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 7 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस टाइप से आपको यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है और टोटल 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। क्लियर हुआ, नॉर्मली ये रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है। अभी हम इसका फेयर डायग्राम जो है यहाँ पर बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमें क्या करना है, 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर आपका यहाँ तक है, तो इसकी हम करेंगे लाइन ड्रॉ। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस स्केल को फिक्स करना है। फिक्स करके हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा 7 का पॉइंट है और यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट करना है। तो ये 0 से स्टार्ट किया और हमें कहाँ तक लेके जाना है, 7 तक लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारी होगी पी क्यू पॉइंट। आपने इस पॉइंट को नेम दे दिया पी और इस पॉइंट को नेम दे दिया क्यू, तो ये आपका क्या हो गया, पी क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये हमारी 7 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अभी आपको क्या करना है, आप ऊपर वाले डायग्राम में इसमें देख सकते हैं आपके पास दिया हुआ है ये पी एस आपको ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। तो ये 5 सेंटीमीटर का कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, अभी आपको क्या करना है, इसको 5 सेंटीमीटर का क्या करना है, कंपास ओपन करना है। तो ये 5 है, यहाँ पर देखिए ये 5 है, 5 आपको क्या करना है, इसको 5 को 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। तो आपने इसको यहाँ तक 0 तक एक्सटेंड कर लिया और ये हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर का कंपास क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट क्यू पे रखेंगे इसे और ऊपर क्या लगा देंगे, एक आर्क लगा देंगे। तो देखिए आपकी ऊपर जो है आर्क बन रही है, ये क्या हो गया आपका, 5 सेंटीमीटर की आर्क हो गई, ठीक है। अभी आपको इधर वाली साइड से, इस नेक्स्ट पॉइंट से 5.5 की आर्क लगानी है। तो आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया 0.5। तो जब आप इसको 5.5 एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये हो गया 5.5 का, ठीक है। अब हम इसको रखेंगे पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे रखने के बाद हमारा क्या हो गया, 5.5 हो गया यहाँ पे, 5.5 हो गया यहाँ पे। सो अब आपने ये 5.5 का ड्रॉ कर दिया आर्क। अभी आपको क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मैच करना है। तो जब आप इसको मैच करेंगे, पहले आप पी को यहाँ से मैच कर लीजिए, अब आप क्या करेंगे, इस क्यू पॉइंट को उससे मैच करेंगे। तो जब आपने इसको और इसको मैच कर दिया, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को, अब आप देखिए ये आपका पॉइंट था 5.5, तो इसको हमने 5.5 दे दिया और इसको हमने 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये पॉइंट जो है ना, इसका नेम है आपके पास एस, तो आपने इसको एस पॉइंट नेम दे दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से करनी है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का जो है ना कंपास वो ओपन कर लेते हैं। तो ये 6 पॉइंट है ना, 6 से हमने कंपास को रखा और यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अभी हमें क्यू पॉइंट पे इसे प्लेस करना है और यहाँ से हमें एक लगाना है आर्क, ठीक है, आपको ये आर्क विजिबल होगा। अब आपको क्या करना है, इधर वाली साइड से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो 4 आपका यहाँ पर है और इसको हम कम कर लेंगे, तो ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब हमारी 4 सेंटीमीटर की अगर ये लाइन ड्रॉ हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको
इस 4 सेंटीमीटर को यहाँ से ओपन करेंगे पी से और यहाँ से कट कर देंगे। तो भाई अब क्या हो गया, ये तो कट ही नहीं हुआ है ना। तो जब ये कट नहीं हुआ तो आप वापस इसी क्यू पॉइंट पे जाएंगे। जब आप क्यू पॉइंट पे जाएंगे अगेन इसको 6 का ओपन करेंगे। तो जब आपने इसको अगेन 6 का ओपन किया तो आप देखिए ये आर्क के ऊपर हमारा आर्क आ गया है ना, ये आर्क के ऊपर हमारा आर्क आ गया। अब हम इस आर्क को क्या करेंगे, थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। तो ये जहाँ पे मिला, ये जिस पॉइंट पे मीट होता है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, पी को मिला देना है और इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, क्यू को मिला देंगे। तो यहाँ से आपने इसको पी को मिलाया और यहीं से आप क्या करते हैं, इस क्यू पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये हल्का सा थोड़ा सा इधर रह गया, आपको एग्जैक्ट मिलाना है अच्छे से। ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा जो पैरेललोग्राम है वो रेडी हो गया। देखिए आपको, अगर आपके पास फोर साइड गिवन है और आपके पास, देखिए आपके पास फोर साइड गिवन है और आपके पास क्या गिवन है, फोर साइड अगर गिवन हो और वन डायगनल अगर आपके पास गिवन हो, तो आप क्वेश्चंस को किस टाइप से करेंगे, आपको क्या करना है, फोर साइड्स और वन डायगनल को क्या करना है, रफली ड्रॉ कर लेना है। रफली ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, रफली ड्रॉ करने के बाद हम इसको फेयरली ड्रॉ करेंगे, क्योंकि रफली अगर हमने कोई डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है तो हम जब उसको फेयर करते हैं तो हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती है ना। तो देखिए जब हम इसे हमने इसे ड्रॉ किया तो सबसे पहले हमने डायगनल को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, इस टाइप से हमने इसको इजीली ड्रॉ कर लिया। हमारा पैरेललोग्राम क्या हो गया, रेडी हो गया। यहाँ पे हमारा इसका फोर्थ यूनिट का इंट्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीट होता है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1, जिसमें सब भी आपके पास सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, 4.1 एक्सरसाइज के अंदर कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए बी आपके पास 4.5 दिया हुआ है, बी सी आपके पास 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सी डी आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए डी आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए सी आपके पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना है अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। तो किस टाइप से ड्रॉ करेंगे, हम क्या करते हैं नॉर्मली रफली इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए बच्चे, आपके पास जो साइड है ए बी आपके पास 4.5 है, तो आपने 4.5 इसको लिख दिया, और आपके पास बी सी 5.5 है, तो यहाँ से 5.5 हो गया, सी डी आपके पास 4 हो गया, डी आपके पास 6 हो गया, ठीक है, और डायगनल जो है ए सी वो 7 दिया हुआ। आपको क्या करना है, सबसे पहले सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, सबसे पहले आपको इसकी डायगनल जो है ना वो ड्रॉ करना है। तो डायगनल कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हमें डायगनल अगर इसमें ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए पॉइंट से क्या करना है, डायरेक्ट 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो हमने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, तो ये हमारा करेक्ट है, हमने ए सी को 7 सेंटीमीटर बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, आपको 6 सेंटीमीटर का, आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। ये जो कंपस है मेरा ऑलरेडी 6 सेंटीमीटर ओपन है, तो यहाँ पर मैंने रखा इस ए पॉइंट पर और इसको यहाँ पर क्या किया, आर्क लगा दिया इधर वाली साइड, ठीक है। नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। तो हम सबसे पहले मेज़र कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप 4 सेंटीमीटर को मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका 4 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को, सॉरी बेटा, आपको इस 4 से और इसको मैच करना है, ठीक है। जब हम इसको मैच कर लेते हैं, सो अभी देखिए आपके पास क्या है, ये देखिए 4 है यहाँ पे, अभी आपने इसको इस 0 से मैच किया, तो देखिए आपका इक्वल है ना। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है इसको और यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ से 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, डी पॉइंट। यहाँ से हमारा सी डी क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया, और ए डी क्या हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ए सी क्या हो गया हमारा, 7 सेंटीमीटर हो गया। अभी आपको क्या करना है, सी टू बी एक्सटेंड करना है। तो सी टू बी एक्सटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ये 5 कंप्लीट हो गया और ये 5.5 है, आपको क्या करना है, इस 5.5 से इस 0 तक एक्सटेंड करना है। तो जब आपने यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, अब आप क्या करेंगे, इस सी पॉइंट से यहाँ से आर्क लगा देंगे 5 सेंटीमीटर का, और ए पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर का। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर जब हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से होगा और ये होगा आपका 0 तक, ठीक है। अभी आपने क्या किया, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, सॉरी बेटा, ए पॉइंट से आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे आर्क ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अभी आप वेट, आपने ये पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया हुआ, यहाँ से आपने क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया। जहाँ पे ये दोनों आर्क मिलते हैं, आप इस पॉइंट को क्या करेंगे, ए पॉइंट से मैच कर लेंगे, और इस पॉइंट को क्या करेंगे, सी पॉइंट से मैच कर देंगे, और आपका जो डायग्राम है वो बिल्कुल तैयार है, ओके। सो कंस्ट्रक्शन जो है बेटा वो आप खुद करेंगे इसकी, एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसकी कंस्ट्रक्शन आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे कंस्ट्रक्शन में, देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास क्वाड्रिलेटरल JUMP। आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल JUMP दिया हुआ है। शॉर्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने डीपली आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको यहाँ पे JU की वैल्यू दी हुई है 3.5, आपने JU लिखा 3.5, UM लिखा 4, उसके बाद MP लिखा 5, उसके बाद PJ लिखा आपने 4.5, और PU जो आपका बीच का डायगनल है वो है आपका 6.5। आपको क्या करना है, सबसे पहले डायगनल ही ड्रॉ करना है। PU आपने डायगनल ड्रॉ किया जो कि आपका 6.5 है। U पॉइंट से आप देखिए, इधर वाली साइड आपके पास M है और इधर वाली साइड J है। आप U से एक M बनाइए और एक J बनाइए। जहाँ पे M है वो 4 है, आप चाहे J ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ से U पॉइंट से M है ना वो 4 है, तो आपको U पॉइंट से क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का आपको कंपस ओपन करना है। आपका ये 4 सेंटीमीटर का कंपस ओपन है और आपने यहाँ पे क्या किया, लाइन आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, P पॉइंट U पॉइंट से, अभी आपको नीचे की साइड, आप देखिए U पॉइंट से J पॉइंट तक 3.5 है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 3.5 का कंपस ओपन किया। 3.5 देख लीजिए, आपको स्केल में एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपका पूरा का पूरा 3.5 है ना, और ये देखिए आपका पूरा का पूरा क्या है, 4 है। तो आपने 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, 3.5 का आर्क लगाना है। अब आप क्या करेंगे, पी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का आर्क है। और जब आप पी पॉइंट से यहाँ पे जे पॉइंट पे क्या करेंगे, 4.5 का आर्क लगाएंगे, तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा 4.5 का आर्क लगा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, सो यहाँ पे हमारा जो मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर, टोटल 4 क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है, आप ये क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चंस में देन आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा, पैरेललोग्राम मोर दिया हुआ है, जिसमें आपके पास OR6 है। तो आपने सबसे पहले OR6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और RE आपके पास 4.5 है, वो ड्रॉ किया। EO इसका एक डायगनल दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, वो भी आपने क्या किया, ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अभी आपको क्या है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना ये, और ऊपर वाला तो आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ था। क्वाड्रिलेटरल तो कैसे भी साइड हो सकती है, ऑल साइड इक्वल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना। पैरेललोग्राम की बात करता है तो पैरेललोग्राम में तो हमें पता है जो उसकी अपोजिट साइड होती है ना वो इक्वल होती है। लास्ट हम थर्ड यूनिट में करके आए थे ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए अब ये 4.5 है, तो इसके सामने वाली साइड कहती है मैं तो 4.5 ही हूँ, बिकॉज आई एम पैरेललोग्राम, बिकॉज ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ 4.5 सेंटीमीटर साइड लाइन सेगमेंट। इसके सामने ये 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अभी आपको नॉर्मल बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। 7.5 का क्या करना है, आपको आर्क डायगनल ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने 7.5 का डायगनल ड्रॉ किया, एक साइड 6 सेंटीमीटर, एक साइड 4.5। आपने इधर से 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, इधर से आपने 4.5 का आर्क ड्रॉ किया। ई पॉइंट से क्या करेंगे आप, 4.5 का आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। ओके, सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ सभी को? आपको क्या करना है, इस पॉइंट से 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे जब आप 6 सेंटीमीटर ओपन करोगे ना स्केल से, आपको यहाँ से आपको स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का जो कंपास है वो ओपन करना पड़ेगा। ये 6 पॉइंट है, तो आपने इस पॉइंट को यहाँ पे फिक्स किया, उसके बाद इसको 0 तक लेके गए, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर है ना। आपको इसको इस टाइप से प्लेस करना, आपको स्केल एक हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से आपको ये कंपास पेंसिल पकड़ना है। ठीक है, आपको अभी ये 6 सेंटीमीटर मैंने ओपन कर लिया, अभी आपके यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर आर्क लग रहा है ना, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर का है। ऐसे ही आपको रिमेनिंग जो आर्क है ना वो लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो इसका फोर्थ पार्ट देखिए, आपके पास रोम्बस दिया हुआ है, बेस्ट BEST बेस्ट बेस्ट रोम्बस में आपके पास क्या है, 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हुई है, और नेक्स्ट है आपके पास ET जो कि 6 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। BE आपके पास 4.5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ET आपके पास क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले BE एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जो कि आपकी क्या है, 4.5 सेंटीमीटर की है, और ET आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर का। तो आपने एक ET जो डायगनल है वो ड्रॉ करना है, ET 6 सेंटीमीटर का। आपको पता है जो रोम्बस होता है ना उसकी सब भी साइड इक्वल है, तो ये 4.5 है तो ये भी 4.5 4.5 4.5। आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपास को रखना है, आपको इसमें एक ही बार ओपन करना है बस कंपास को, 4.5 का आपने यहाँ पे रखना है, 4.5 का आर्क ऊपर लगा। ठीक है, उसके बाद नीचे लगा, इधर वाली साइड से रखेंगे, ऊपर कट किया और नीचे कट किया, बस मैच कर देंगे तो हमारा रोम्बस जो वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे इन क्वेश्चन में देन आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है विद इंट्रोडक्शन। ओके, सो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे।
सो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज 4.1 को अपनी फियर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करेंगे विथ कंस्ट्रक्शन. आपको कंस्ट्रक्शन इसकी राइट करनी है. कंस्ट्रक्शन में कैसे करेंगे आप, जैसे कि आपने क्या करना है, जैसे कि आप इसमें बोलेंगे कि इन दिस पैरेललोग्राम, इन दिस, सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ई ओ एट द मेजरमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. आपको इस टाइप से कंस्ट्रक्शन बनानी है. आप 5-6 स्टेप बना दीजिए कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो आपका सफिशियंट है. जैसे कि आपको सबसे पहले आपने क्या किया, ए ओ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 7.5 सेंटीमीटर का. तो एट फर्स्ट विल राइट स्टेप, फर्स्ट ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ई ओ द मेजरमेंट ऑफ 7.5 सेंटीमीटर. नाउ फ्रॉम पॉइंट ओ, अब हम पॉइंट ओ से क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम पॉइंट ओ मेक अ आर्क. हमने एक आर्क ड्रॉ किया या फिर ड्रॉ आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर. हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, ठीक है. एंड फ्रॉम पॉइंट ई ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर का हमने ई से आर्क ड्रॉ किया, ठीक है. वेयर द बोथ आर्क मीट, जहाँ पे दोनों के दोनों आर्क जो है वो मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हमने क्या दे दिया, आर नेम दे दिया. ऐसे ही आपको नीचे वाला जो है वो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है. उसके बाद हैंड्स लास्ट में लिख देंगे, हमारा अवर पैरेललोग्राम इज़ रेडी. हमारा पैरेललोग्राम जो मोर है वो क्या हो गया, रेडी हो गया. ओके, सो यहाँ पे हमारी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. आप अपनी 4.1 एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे.